सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो डिप्लोमा स्टूडेंट मतलब पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए भी मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है पूरे मुंबई में, कौन से कॉलेज बेस्ट है। ऐसे कॉलेज मैं सिलेक्ट करके आपके लिए लेके आ गया हूँ। टेंथ के बाद आप पॉलिटेक्निक एडमिशन ले सकते हो और ट्वेल्थ के बाद भी एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप कमेंट्स में लिखोगे अगर आपको चाहिए तो पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि पॉलिटेक्निक कितने साल का होता है, उसकी क्राइटेरिया क्या होता है, उसमें कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है, उसके लिए क्या क्या है, सब चीजें ए टू जेड में बनाने वाला हूं। अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या तो कमेंट्स में लिख सकते हो, या तो डायरेक्ट लोअर थ्रेड पे जो नंबर चल रहा है उस पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो, या बोल सकते हो कि प्रदीप सर को बोलो एक उस पर वीडियो, डिटेल वीडियो पॉलिटेक्निक में बना दे। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूं, मुंबई में बेस्ट कॉलेज कौन सा पॉलिटेक्निक के लिए। और दोस्तों फिर से थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आप इतना प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हो जीटी फैमिली का, और मुझे लग रहा है जिस तरह से आप पूरे पूरे सभी बच्चे एक साथ मिलकर ग्रुप बना रहे हो, एक बच्चों को शेयर कर रहे हो, इसके लिए दिल से थैंक यू। और आप सबसे बड़ी बात, आप ये मैसेज मुझे ये कर रहे हो कि सर ये हमारा ड्रीम है, सर ये आपका ड्रीम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आपका वीडियो अभी हमने देखा, इतने सालों से यूट्यूब ने हमारे पास नहीं भेजा था, अभी देखा और आपका वीडियो देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि आपको और अच्छा कुछ रीच मिलना चाहिए था, ये सब लाइन हमें मोटिवेट कर रहा है, इसीलिए इतने कंटिन्यू वीडियो आपके पास आ रहे हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो ये ड्रीम 100K GT फैमिली ये चाहो तो दोस्तों आप बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं। और उस दिन तो मैंने बोला था 100 पे क्या होने वाला है, आपको याद है। तो देखते हैं हम टॉप कॉलेजेस कौन से हैं पॉलिटेक्निक कॉलेजेस मतलब डिप्लोमा कॉलेज मुंबई के अंदर। सो फर्स्ट हमारा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मुंबई के अंदर। और दोस्तों पहले मैं बता रहा हूं कि इन कॉलेजेस को मैंने कौन से बेसिस पर सिलेक्ट किया हुआ है, तो इनके प्लेसमेंट, लोगों का रिव्यू, फिर तीसरा जो है ये कॉलेजेस कितने पुराने हैं, ओके। और इन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो, टेंथ का अपर टेंथ का सीईटी का मार्क्स, और ट्वेल्थ के बाद भी उसमें एडमिशन ले सकते हो। 12 के बाद एडमिशन लोगे तो ये कितने साल का होगा, 10 के बाद एडमिशन लोगे तो कितने साल का होगा, अगर कंप्लीट हो गया तो इसके बाद आप डिग्री किस तरह से कर सकते हो, ये सभी क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। आज बस मैं कॉलेजेस की बात करूंगा। देन आगे जो दूसरा कॉलेज है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मुंबई है, यह भी कॉलेज बहुत फेमस कॉलेज है पॉलिटेक्निक के लिए मुंबई में। VGTI माडुंगा, यह भी कॉलेज बहुत फेमस है, अगर इसमें एडमिशन मिल गया तो प्लेसमेंट क्या बोलूं मैं, ओके। KG सुमैया कॉलेज, ये तो नाम मुंबई में रहने वाला हर बच्चा बच्चा इस कॉलेज का नाम जानता हो, KG सुमैया कॉलेज। और दोस्तों फिर से मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई प्रमोशन के लिए पैसा नहीं मिला हुआ है, ऊपर अगर आप सपोर्ट करोगे एक दिन प्रदीप सर को हो सकता है कुछ मिले, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये मैं सोचना कि प्रदीप सर इन कॉलेजेस का नाम इसलिए ले रहे हैं। आगे सेंट जेवियर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट मुंबई, जेवियर्स ने तो हर सेक्शन में धमाका मचा के रखा हुआ है। देन इसके बाद बीके सोमानी मेमोरियल पॉलिटेक्निक मुंबई, ये कॉलेज की बिल्डिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे। इसके बाद MHSS पॉलिटेक्निक मुंबई, ये कॉलेज भी। और दोस्तों इन कॉलेजेस के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको निकालना है सो क्योंकि मैं आज कॉलेजेस का नाम अगर एक पे इंफॉर्मेशन बनाने जाऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, मैंने कॉलेजेस का नाम दे दिया है, अब डायरेक्ट गूगल पे सर्च करो, आपके उनका जो भी नंबर होगा, एड्रेस होगा, सब ए टू जेड आपको मिल जाएगा। इसके बाद नवजीवन एजुकेशन सोसाइटी पॉलिटेक्निक मुंबई, ओके, ठाकुर पॉलिटेक्निक मुंबई, ठाकुर कॉलेज। इसके बाद सहायनगर कुची पॉलिटेक्निक, तो दोस्तों इसकी बिल्डिंग, इसकी भी बिल्डिंग मेरे को बहुत पसंद है ये कॉलेज की, आप जाना तो यहाँ एक फोटो सेंड करना अगर आप जो भी बच्चा इसमें एडमिशन लेने जाएगा तो, ओके। सो दोस्तों मैंने यहाँ आपके साथ शेयर कर दिया बेस्ट कॉलेज पॉलिटेक्निक का इन मुंबई में, जो भी बच्चे अगर एडमिशन लेना चाहते, और फिर से अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, आपके पास नंबर ऑफ सोर्स है बताने के लिए, आप मुझसे कॉल करके उस नंबर पे कॉल करना, बोलना मुझे प्रदीप सर से डायरेक्ट बात करना, मुझे प्रदीप सर से बात करवाओ, मैं इंटरेस्टेड हूँ प्रदीप सर से बात करने के लिए। तो दोस्तों ये नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, लोअर थ्रेड पे नंबर चल रहा होगा, और आप सपोर्ट कर ही रहे हो, बोलने की बात नहीं, आपने बोल दिया सर ये हमारा ड्रीम है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा एंड दोस्तों जय हिंद।